शुभ्राज लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। ये मेरा पहला वीडियो है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आज हम बनाएंगे बंगाली स्टाइल गोला रोटी, इसे हम देसी पैनकेक भी बोल सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए गेहूँ का आटा, एक प्याज और हरा धनिया कटा हुआ, हरी मिर्च कटी हुई, एक अंडा, हल्दी, नमक और फ्रोजन स्वीट कॉर्न। अंडा और स्वीट कॉर्न ऑप्शनल है। जो लोग वेजिटेरियन है या अंडा पसंद नहीं करते हैं वो अंडा स्किप भी कर सकते हैं। अंडे के बिना भी ये इतना ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो आइए बनाते हैं गोला रोटी। अभी हम एक मिक्सिंग बाउल में एक कटोरी आटा डालते हैं। अभी हम इसमें डालते हैं प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च और फ्रोजन स्वीट कॉर्न। अभी मिलाते हैं एक पिंच हल्दी और नमक स्वाद अनुसार। फिर हम इसमें मिलाएंगे अंडा। और सारे चीज़ अच्छी तरह मिल जाने तक मिलाएंगे। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। हमें एक थिक बैटर बना के तैयार करना है, इसलिए पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। हमारा बैटर बनके तैयार है। अभी हमें इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। दस मिनट हो गए हैं। अभी हम रोटी को फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हम एक फ्राइंग पैन को गरम करते हैं। रोटी को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर राइस ब्रैन ऑयल यूज़ किया है। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ऑयल को स्प्रेड करते हैं। और गरम करने के लिए रखते हैं। पैन गरम हो गया है। अभी हम इसमें 2 चम्मच भर के बैटर डालेंगे और स्प्रेड कर देंगे। और रोटी को पलट पलट कर दोनों तरफ ब्राउन चिट्टी आने तक पकाएंगे। लीजिए, हमारा एक रोटी बनके तैयार हो गया है। अभी हम दूसरी बनाकर खाते हैं।
इसको भी पलट पलट कर दोनों तरफ ब्राउन चित्ती आने तक पकाते हैं। दूसरी रोटी भी बनकर तैयार हो गई है। अभी इसको हम काटेंगे और इसकी प्लेटिंग करेंगे। लीजिए, गर्मा गर्म गोला रोटी तैयार है। अगर किसी भी पॉइंट पर यह वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।